तो गाइस अगर आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है ओप्पो फ़ोन में, देख सकते हैं कैमरा ऑटोमेटिक क्लोज प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे कैमरा ओपन ही नहीं हो रहा है, ओपन कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो इसके लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले आना है, और सेटिंग में आने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट सर्च करना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कैमरा, कैमरा सर्च करना है, कैमरे पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है, क्लियर डेटा क्लियर कैश कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद आपको बैक आना है और कैमरे को ओपन करना है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। कैसे अगर आपकी प्रॉब्लम इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है तो एक काम और करना है, आपको अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको इसे रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप रीस्टार्ट कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है डी रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑन करने की कोई भी नीड नहीं है, रीस्टार्ट में आपका जो फ़ोन है रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन होता है। तो अभी मेरा फ़ोन है ऑन हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे और दिखाएँगे किस तरह से आप कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम डायरेक्टली ठीक नहीं होती है क्लियर डेटा क्लियर कैश करने से, तो आपको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। और गाइस रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है, उसके बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरा काम ये नहीं कि एक ट्रिक बता दी प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई है, सब कुछ बताऊँगा किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, तो चलिए इसे ऑन करते हैं, और इसके बाद आपको देखना है कि आपका कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा कैमरा जो है ओपन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्टिल अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है ये ट्रिक करने के बाद, तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक थर्ड पार्टी कैमरा ऐप इंस्टॉल कर लेना है, तो उससे आप काम चला सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कैमरा सर्च करना है, और आपको किसी भी कैमरा ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इसे यूज़ करना है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, कैमरा फॉर एंड्रॉयड काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसे आपको इंस्टॉल करके यूज़ करना है, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इसके बाद एक ही चारा बचता है कि आपको सर्विस सेंटर पर जाना है, वहाँ पर आपको अपने फ़ोन को दिखाना है, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। हो सकता है कोई हार्डवेयर इशू हो।